दर्शकों, फिर से एक बार कारगिल चुने में सभी नाजरीन का हम खैर मकदम करते हैं। अभी हम ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हो, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करते हूँ, PHC ट्रस्पोन पे आज अभी हमारी टीम जो है वो यहाँ पहुँचे हुए, जिसमें बार बार पब्लिक का और साथ ही साथ इनके रिप्रेजेंटेटिव का यही रिक्वेस्ट था कि एक बार CHC ट्रस्पोन पर आए और इनके कुछ इश्यूज़ है, इनकी कुछ मुश्किल है, परेशानियाँ हैं इसी हॉस्पिटल को लेके, वो थोड़ा बहुत मीडिया के थ्रू आला हुकाम तक पहुँचे। इसी रिक्वेस्ट के साथ आज हमारी टीम जो है CHC ट्रस्पोन पे हमारी टीम पहुँचे हुए, जो TSG ब्लॉग में आते हैं। और आप लोगों को बताते चलूँ कि ये इलाका जो है पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया है, और इनके कहने के मुताबिक इसमें पेशेंट्स जो है वो तकरीबन फरूना से ले कर सर से तक और पूरे TSG ब्लॉक ट्रस्पोन सलिस को फरूना GMPOR टम्बिस कनौर सर से जैसे था कि तमाम पेशेंट जो है वो इसी हॉस्पिटल में आते हैं। और पॉपुलेटेड एरिया होने की वजह से यह हॉस्पिटल तकरीबन 20-30 साल से जो है वो बना हुआ है। मगर इनका मेन मुतालबात जो है, मेन इशू जो है इस हॉस्पिटल का, मेन पावर को लेके है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ठीक है, वार्ड्स ऑलमोस्ट ठीक है, इक्विपमेंट भी ऑलमोस्ट ठीक है, बट है तो मैन पावर की इन्हें अशद ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को अंदर के भी कुछ दृश्य दिखाएँ। और कई बार इन्होंने अपने कंसर्न रिप्रेजेंटेटिव से भी इन्होंने रिक्वेस्ट की है, अपने PRI मेंबर से भी इन्होंने रिक्वेस्ट की है। ये लेबॉरेटरी है, तो कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा बहुत विजुअल्स दिखाए। लेबॉरेटरी भी ऑलमोस्ट यूँ है, और एक कॉरिडोर से होते हुए इक्विपमेंट्स पे आप थोड़ा बहुत फोकस करें। एक्सरे मशीन है इनके पास, और उसके अलावा बाकी इक्विपमेंट भी है, बट इनको चलाने के लिए इनको मैन पावर की नहीं ज़रूरत है। अच्छा, अभी हम जो है लेबर रूम लेबर सेक्शन में हम हैं। ऑलमोस्ट इक्विपमेंट्स जो है इनके पास बराबर है, बट मैन पावर की नहीं अशद ज़रूरत है। इक्विपमेंट जो है ठीक है, मेन वार्ड कहाँ है, मेन वार्ड सिस्टम, और आप लोगों को मेन वार्ड भी दिखाता हूँ। और इनके कहने के मुताबिक सर्द मौसम है, सर्दी का मौसम है, अगर पेशेंट्स थोड़ा ज़्यादा देर अगर यहाँ रुका जाए तो सर्दी की वजह से हीटिंग सिस्टम भी मुझे लगता है ठीक से चल नहीं पा रहा है। मेन वार्ड ना मेल फीमेल, ये जनरल वार्ड मेन वार्ड आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी तो पेशेंट इसमें है नहीं, ये मेन वार्ड है। तो साथ ही साथ मैं आपको कोशिश करता हूँ डेंटल सेक्शन और वार्ड का थोड़ा बहुत दृश्य आप लोगों को दिखाना ज़रूरी था, इसलिए आप लोगों को अब डेंटल सेक्शन में अब ले चलते हैं। पूरे इक्विपमेंट्स, पूरे मशीनरी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, बराबर विजुअल्स आप लोगों को हम दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये डेंटल सेक्शन है, और इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, और ऑलमोस्ट तमाम इक्विपमेंट्स इनके पास अवेलेबल है, बट यही इनका शिकायत है, यही इनका इशू है, यही इनका मुतालबा है कि मैन पावर। इन्होंने कई बार कोशिश की थी अपने रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर, अपने जो लीडर्स है लोकल उनकी नोटिस में भी दी थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इन्होंने नोटिस में दी है। और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कंसर्न इनके डॉक्टर साहबान से मिलके क्या क्या मुतालबात है, क्यों ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा एक पॉपुलेटेड एरिया है ट्रस्पोन इलाका। TSG ब्लॉक की अगर हम बात करें तो बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया है, और इनका यह भी कहना है कि यह हॉस्पिटल जो है मेन हाईवे पर, आप देख सकते हैं मेरे इसके आगे है नेशनल हाईवे है, जानकार के लिए रोड जाता है, काफ़ी इमरजेंसीज भी इन्हें आते होंगे, एक्सीडेंटल केसेस इन्हें आते हैं, इसी हॉस्पिटल में उन्हें थोड़ी देर के लिए रखते, फिर फर्दर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल के लिए इन्हें रेफ़र कर दी जाती है। तो इनके लोकल लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जी जनता ने कहा मुश्किल मोहम्मद मुश्किल जो जूंगा ये अस्पताल पे छान ला पेशेंट ये अस्पताल पे लेबे ये अस्पताल पे का हा छान ला नेट पर ड्यूटी पर मैत हाँ इमाम जी कहना पेशेंट उन खेर कारगिलो पेशेंट सू
लेबलों यो है सू लेबलों मो माँ लंबा नार गाले वापस बैठ नाचा गौर पूछियो जी अस्पताल पे अस्पताल गौर जो जी हुकूमत जनता याची बसान जी का नाचा का डॉक्टर चीक हफ्ता ची अंदर लेप चुक अगर जी का तो मतलब चुना नाचा आवाम लामे कदू से नाचा धरना भी चेन हजी साहब एरान काफी शर्मा इन सुख चम चिक सो जुदी अस्पताल पर तौरी बंद ये अस्पताल पु तासबान चिक 30 साल सो जो 30 साल सो ये अस्पताल ही बुनियाद टिकना आशी लथो ईमान नरेस्तान खाने अच्छा नरेस्तान खाने यदा नरेस्तान खाने अस्पताल ही नमूना सिर्फ जी धुन पुरचाल धुना मरामत बस खाने دی حالت پس نام یاد سوکی دخسا سونسین جو دخسا سونسین جو سنا ٹھیک یاد پین سنا ما نہ تھان نیما نہ ڈیوٹی پا دک پات پین اسپتال ما نہ ڈاکٹر گا ہے نیز لے بات پین گا ہے سوم یاد پین گیچک یا ان قریب ایک مینا سون جی کا اچانک ڈاکٹر چک چک لے بیت دو میں نہ ڈاکٹر میں جو حاجی صاحب یہ علاقہ آبادی ہم سمجھتا ہوں کافی چھو ان سے جو ہارونی کا نا ٹیس جی ٹریس پون منا سر سے سخت آبادی جو ट्रेसपोन 400 चुलाइन थलेस को इंजू 600 चुलाइन गोन 600 चुलाइन टाइम बिजिन 400 चुलाइन कनोर 600 चुलाइन या द चुल्ला दो ची का ना पता छेतगा जिस ना अची नरी बाबा पिन मोदा पिन 40 साल 40 साल दुख से न द 40 साल पेनुक आता नहीं हम बोगास लाज बस खाने लाज बाना जू ने पता सुन खाने बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा हम वो यार वक्त फिंग से दिलचस्प बोला मोस्ट सीनियर थे हाजी साहब भी अपने इशूज़ को लेके सीएचसी ट्रस्टपोन को लेके हमारे साथ रूबरू थे और इनके कहने का मतलब ही यही है मैंने आपको पहले भी वजाहत की कि काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया है टीएचजी ब्लॉक की अगर हम बात करें नेशनल हाईवे पर भी पड़ते हैं ये और जितने भी एमरजेंसीज आते हैं इसी पर आते तो इन्हें यही कहना है इनका मेन मुतालबा जो है मेन पावर को लेके हम भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि आला अहदेदार से कंसर्न से कि इनकी जो जो मुतालबात है इश्यूज़ है इन पर जल्द अज जल्द खड़ा उतरे आप बने रहे हमारे मोहम्मद साहब मेरे साथ जुड़ेंगे सीनियर सिटीज़न है इस इलाके के टीएचजी ब्लॉक के सर क्या क्या इश्यूज़ है मुतालबात आपके काफ़ी है हॉस्पिटल को लेके थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे हमारे व्यूअर्स اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خالو صاحب آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس سردی کے موسم میں یہاں ہمارے ٹی ایچ جی بلاک میں آ کر ہم لوگوں سے مل کر ہمارے دل کی آواز جو ہے وہ اعلیٰ حکام تک پہنچانے کی آپ لوگوں نے جو کوششیں کی اس کا ہمیں بہت ممنون اور مشکور ہے سر ہم اس ہسپتال کے بارے میں تھوڑا صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کی یہ نظر کرنا چاہتا ہوں کہ سر یہ ہسپتال جو ہے 1965 میں یہ یعنی ہسپتال آیا تھا سر ایلوپیتھک ڈسپنسری جو ہے اور کرگل سے پہلا ایم ایل اے چھسکور سے آغا سعید ابراہیم شاہ ایم ایل اے بن کر گیا تھا پہلا ایم ایل اے انہوں نے ہمیں یہ ڈسپنسری جو ہے دیا تھا سر اور 60-70 سال پہلے جو تھا سر آج وہی ہے اور اس سے بھی آج کل کم ہوتے جا رہا ہے کیونکہ ہمارے اس ہسپتال کے ساتھ کچھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کچھ زیادتی سا کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے سر کیونکہ سر اس ہسپتال کا اہمیت ایک یہ بھی ہے سر یہ ہسپتال جو ہے کرگل پدم نیشنل ہائی وے پہ مقیم ہے سر کرگل پدم نیشنل ہائی وے ایک دوسرا سر یہاں گرمیوں میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے اس علاقے میں کتنا پکنک کے لیے اور ٹورسٹ کے لیے کتنے لوگ آتا ہے جتنے بھی لوگ اس روڈ میں چلتے ہیں کرگل کے کسی دوسرے روڈ میں نہیں چلتے اور یہ نیشنل ہائی وے پر ہونے کی یہ وجہ سے یہاں پہ ہر طرح کی ایکسیڈنٹ کا جو ہے کیس آتا ہے ہر قسم کا جو کیس یہاں آتا ہے سر لیکن یہاں مین پاور کا بہت کمی ہے سر کچھ دن پہلے ہمارے یہاں ایک فارماسسٹ تھا اس کو چھٹی پہ گیا ہے اور اس کا بدلی بھی ابھی تک نہیں آیا ہے سر
और इस तरह से बहुत सारे मुश्किलात हमारे इस अस्पताल का है। और आज मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी लद्दाख और कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ और डायरेक्टर हेल्थ यूटी लद्दाख से गुजारिश करते हैं कि हमारे इस मसाइल को हल कर देकर जल्द अज जल्द कोशिश करें। अगर हफ्ते के अंदर ये मसला हल नहीं हुआ तो हमें पूरा पब्लिक लेकर नेशनल हाईवे पर उतरने के लिए मजबूर है सर। नॉमिनेटेड काउंसलर हाजी लीला बानो मेरे साथ जुड़ेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट में है, पावर में है, फिर भी ऐसे मुश्किल इन्हें क्यों आ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जो बचा मैं जो बोला देखा काफ़ी खोलना मुश्किल मामूद से जो इश्यूज़ मामूद से सी एच सी नथे से खोलना देखा स्टाफ या शद ज़रूरत दुख इक्विपमेंट दुख इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक दुख ओवरऑल कमरांस वार्ड तमाम ठीक दुख जो तो खोलना ज़रूरत दुख अशद ज़रूरत दुख डॉक्टरी छाना ऐसे लीडर रहंदी इलाके लीडर रिश्ते बस जुदी हॉस्पिटल दि अस्पताल पे फिर अच्छा मानो कोशिश मामो यो जो दरे अति दी अनु यूटी से न गिलते अच्छी दिन सक पचांग अच्छा एन पी ना यूटी ना यंग अति दरे दे जगह डी सी दर सोंगांग मांग अच्छी चंग मत सिर्फ देना अस्पताल पे कोशिश अस्पताल पर लंग अच्छा दी अनु दरे अपडेट चंग अच्छा क्यों में कोशिश बे नो जो दरे अच्छी दी अस्पताल पे अनु डॉक्टर मिंदो जो डॉक्टर शिक्षिक दुख डॉक्टर शिक्षिक चिबो अचानक डॉक्टर खोना छंपे ज्ञान दे छन अस्पताल पे अनु खाली सौ दी सिटी जगह का दरे डॉक्टर साहब जर दी अनु टीजी बुलाक जर मना कुंछलार सुमी जगह इन दी कुंछलार सुम पे जगह का दरे दी अनु टम बिजना पेशेंट कनोर ना पेशेंट मिंजी ना पेशेंट ग्रंथा ना पेशेंट यार गोन मंगलपुर ना छल स्कूट ना गंग मान दी का पेशेंट हर जगह ना यूंग जो दू नी अनु डॉक्टर कमीज दुख दरे दी अनु अच्छा जर सर दी का खुंग अंगारेस ना लाजे डॉक्टर साहब जर दिया सीटा भी कमी गेन मशीन क्यों से दुख हर किस्म अरेज मशीन तँ से योत एक्सरे ना अल्ट्रासाउंड गिजु दुन तँ पीछे फायदा सन क्यों से ना चेन योत दू निका खुंग दिका डॉक्टर तँ मार्गोसुक दे अल्ट्रासाउंड ना एक्सरे चटपी या यंग दे अनुक तँ से डॉक्टर घोषा योत नरिका तो दिस सवाल पर बार बार यूं दी जो कि हॉस्पिटल पन काफ़ी पुराना है इनसे जैसे अरेज मोल दी नेशनल हाईवे अचानक एमरजेंसी छाना या एक्सीडेंट छाना सीधा देंगे मंजर मोल दो यदि हुकूमत दौर यद एम पी लद्दाख ये नोटिस अंक तो सही बस सो मिलना छो मसले मेन मिन दू कोई फिर चंग मिन दू हूँ अति नुमाइंदन सिर्फ ले से मैन कारगिल से पूरा लद्दाख नुमाइंदन दक्षण सक पे दी इशू ने खोई नजर आना सुन से नीति फिर छो इन गाँव भी फिर छो इन दंग सब खोई नोटिस या एज ए डेलीगेशन दंग से मत चिपता जो सुसामी यूटी यों से दरे पाँच साल सौ से गचास पूरा एन पी साहेब गचास दो बार दी क्यों से एन पी खुरा हालात पता है गचे अस्पताल ओ दो बार यों से यूँ नरे गचा का एप्लीकेशन चिताना यंग चाँ मिता में देना अस्पताल भी है दरे ये तरफ ना शुक्रिया एन गज एन पी साहेब ना यूटी गची दी कच्ची बसा दी सिटा बन दी कचाम से सिटा भी ना दी सिटा बन गामा दी कल लेप चुक पर गोसुक जो दोनों गची दी अस्पताल पुला सुषमा अपडेट छार चेजर बना पुराना अस्पताल सुना लमाना जिस सेट पे अस्पताल से मेत पिन दरे दरे सुमाय खाने अस्पताल होने का डॉक्टर नची गाँव में चाहे कमी मिन दुक नची दी कमा ना दी डॉक्टर शिक्षक मिन दुख मिन ची बोक डॉक्टर शिक्षक दिया नो नचाज नाज यूटी ना एन पी साहेब अंगा शुक्रिया जो नचा दे जहाँ डी सी दे रहा सौ डी सी एक हफ्ता इन नचा दी नची इस पर आल चाह पते मबाना मजबूरी नचाज दरे दी का प्रेस कॉन्फ्रेंस ना सिंह बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों हमारे साथ हाजी लीला बानो नॉमिनेटेड काउंसलर है इस इलाके से है नुमाइंदा है रिप्रेजेंटेटिव है इनसे भी जानने की कोशिश की सी एच सी ट्रस्टपोन को लेके इनका साफ साफ यही कहना है कि कई बार इन्होंने एम पी लद्दाख को भी अप्रोच की है और साथ ही साथ आपको बताते चलूं कि उसके अलावा भी इनके जितने भी लोकल नुमाइंदे हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं इनकी भी नोटिस में देने की कोशिश की थी बट अभी तक अनफॉर्चुनेटली इस हॉस्पिटल को लेकर कोई भी आउटपुट इन्हें देखने को नहीं मिला। इसके बाद भी हम कंसर्न अथॉरिटीज़ से आला अहदेदार से भी मिल के जानने की कोशिश करेंगे कि इसी इशू को लेकर हम आगे तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। सर सी एस सी ट्रस्टपोन को लेकर काफ़ी रिक्वेस्ट की थी सर हमें, जनरल पब्लिक ने भी कई बार हमें अप्रोच की थी सर, तो आज पूरे मीडिया टीम जो है आज आपके सी एस सी ट्रस्टपोन पे है सर। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है सर, ऑलमोस्ट इक्विपमेंट्स भी ऑलमोस्ट ठीक है सर, अब अशद ज़रूरत है तो मैन पावर की ज़रूरत है सर, तो थोड़े बहुत ब्रीफ करोगे इसके बारे में। ठीक है खलू साहब, पहले तो मैं आपका बहुत ही मशकूर ममनून हूँ कि आप सारे मीडिया हजरात आप लोगों ने ज़हमत किया आज इस हॉस्पिटल का विज़िट करने की और यहाँ का जो हालात है मैन पावर को लेके बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, तो
तो इस बारे में आप लोगों का आभारी हूँ। तो एज ए डॉक्टर मैं यहाँ से कम इस हॉस्पिटल में कुछ 7-8 साल से काम कर रहा हूँ। तो ये हॉस्पिटल कुछ बुनियादों के बिना पर बहुत ही इसका जो है एक अहमियत है, वो ये कि एक तो ये हॉस्पिटल 1980s का एक हॉस्पिटल यहाँ पे एडी उस ज़माने में जब हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स की किल्लत हुआ करते थे, तब तो हम बच्चे थे, उस ज़माने में 3 ADs ऐसे थे सांकू ब्लॉक में, जैसे एडी ट्रिस्पोन, एडी तेकत और एडी टम्बिस। तो तब यहाँ पे हमारे करगिल के बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर नज़ीर साहब, डॉक्टर हुसैन साहब जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं सर्जन स्पेशलिस्ट वगैरह, उन्होंने डॉक्टर विलायत साहब या डॉक्टर इब्राहिम खान, डॉक्टर जाफ़र, तो उन सब ने यहाँ मतलब इन ADs पे पोस्टिंग दिया है। तो हमारे अभी जो फिजिशियन साहब है डॉक्टर विलायत साहब, वो भी यहीं इस हॉस्पिटल पे उन्होंने ड्यूटी दी है। तो उस ज़माने में इस हॉस्पिटल्स पे यानी एडी तेकत, एडी ट्रिस्पोन और एडी टम्बिस इस एरिया के सांकू ब्लॉक के, उन पे तब डॉक्टर्स का एक पोस्ट सेंक्शन हुआ करता था, मतलब तब एक पोस्ट डॉक्टर्स की थी। तो तब से लेके आज तक जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन कई गुना बढ़ चुका है, और हमें पता है कि आबादी के लिहाज से भी TSG ब्लॉक एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, और हेल्थ सेक्टर में ये ब्लॉक जो है सांकू ब्लॉक एक बहुत बड़ा ब्लॉक है हेल्थ का, बाकी कंपेयर टू अदर ब्लॉक्स जैसे शरगोल है, जैसे तेसरू ब्लॉक है, यानी कि हेल्थ में सांकू बहुत बड़ा एक ब्लॉक है। और मजीद उसके की जो TSG है वह अपने आप में एक ब्लॉक का मतलब रूप है, बहुत बड़ा TSG, टम्बिस, छलेसकोट, गोल मंगलपुर, ट्रिस्पोन, तो उस का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन को एक इस हॉस्पिटल जो है NTPSC ट्रिस्पोन कैटर करता है, यानी कि 10-15 हज़ार पॉपुलेशन पे या मुश्तमिल है ये पूरा TSG ब्लॉक। तो उस पे एक एडी है, हालांकि मेडिकल में अभी ये ब्लॉक सेपरेट नहीं है TSG ब्लॉक, कहने के लिए हम थ्योरेटिकली TSG ब्लॉक कहते हैं, बट मेडिकली में मेडिकल में जो है हेल्थ में ये सिर्फ सांकू के अंडर ही आता है अभी भी TSG। तो हमारा BMO जो है वो सांकू BMO है, सांकू की BMO के अंडर ही आता है। तो आबादी के लिहाज से चूँकि TSG बहुत बड़ा एरिया है, बिल्कुल कैटरिंग पॉपुलेशन है, एडजेसेंट विलेजेस है, तो ये इस एडी पे जो है इस NTPSC पे बहुत लोड है पेशेंट्स का। तो चूंकि मैं यहाँ पे 6-7 साल से काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रोज़ाना का पेशेंट जो है वो कम से कम और सीज़न में भी अभी इस बर्फ़बारी के इस -20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी जब बर्फ़ पड़ रही होती तो भी 20-25-30 से कम पेशेंट नहीं आता। एक तो ये है ये क्यों, और ये हॉस्पिटल जो है सिचुएटेड है, ये वाक़ा है बिल्कुल हमारे जंस्कार हाईवे पे। तो आप लोग बखूबी जानते हैं कि यहाँ आप जंस्कार हाईवे पे काफ़ी आप ट्रैफिक का आवाजाही बहुत रहता है, और प्लस हमारे समर में जो है यहाँ से पिकनिक का काफ़ी यहाँ पे आना जाना, यहाँ का पिकनिक स्पॉट, यहाँ से आगे पिकनिक स्पॉट से हमारे शुरू वगैरह में, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का बहुत ख़र्चा रहता है। आए दिन यहाँ पे अभी भी फिसलन के कारण, स्लिपेज के कारण व्हीकल्स का कोलिजन वगैरह एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आए रहते हैं। तो हॉस्पिटल चूँकि बिल्कुल रोड साइड पर है, तो यहाँ पर कोई फ्रैक्चर या कोई माइनर इंजरी, मेजर इंजरी आते रहते हैं। तो इस लिहाज से भी ये हॉस्पिटल जो है चूँकि ये नेशनल हाईवे पे वाक़ा है, जंस्कार हाईवे पे, और प्लस ये एरिया जो है यहाँ से आगे का पूरा पिकनिक स्पॉट है, तो समर में भी और विंटर में भी, चूँकि विंटर में रोड बर्फ़ के कारण यानी कि स्लिपरी हो जाती है, मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का बहुत ज़्यादा खर्चा रहता है, तो ये हॉस्पिटल उस लिहाज से भी यहाँ पे ये बहुत यानी कि इम्पोर्टेंस इस हॉस्पिटल की है। और मैं चूँकि मैं यहाँ पे हूँ, तो आई डोंट नो कि मतलब जो भी है पेशेंट्स यहाँ पे बहुत आना जाना रहता है, सिर्फ ट्रिस्पोन का ही नहीं बल्कि टम्बिस से भी, छलेसकोट से भी। आज के ही मैं आप लोगों को अगर OPD आपके रजिस्टर आज दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे कम से कम 5-6 पेशेंट्स आप देखोगे खलूस साहब यहाँ छलेसकोट से हैं, टम्बिस से भी पेशेंट्स आ गए हैं। अच्छा थुईना फरूना से कम
پیشنٹس آتے ہیں, یعنی کہ ہاسپٹل ٹمبیز میں بھی ہے, آپ کو سلسکو میں بھی ہے, لیکن پیشنٹس یہاں پہ آتے ہیں, ٹی ایچ جی میں آتے ہیں. وہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ ہاسپٹل تھوڑا انفراسٹرکچر کے لحاظ سے بھی تھوڑا سا اس میں بڑھوتری ہے, مطلب اچھی فیسلٹیز بھی ہے اور اوپر سے ڈاکٹر بھی یہاں پہ میسر ہے, اویلیبل ہے, تو لوگوں کا پریفرنس رہتا ہے ٹمبس سے بھی, سلسکوٹ سے بھی, فرونا سے بھی, تھوئین آشن, ایون گرمتھنگ منجی سے پیشنٹ یہاں آتے ہیں, تو پھر یہاں لوڈ بڑھ جاتا ہے. اس لحاظ سے یہاں پہ آبادی کے لحاظ سے اس ٹی ایچ جی بلاک کی, چونکہ گرمتھنگ منجی سے لے کے فرونا تھوئین تک کا پیشنٹ یہاں پہ آتا ہے, تو یہاں پہ پیشنٹ کا لوڈ بڑھ جاتا ہے. لیکن سٹاف کے مسئلے میں یہاں پہ بہت ہی فقدان ہے, سٹاف کی عدم دستیابی کی وجہ سے ایک ڈاکٹر سے اس پاپولیشن کو کیٹر کرنا, اس پاپولیشن کو یعنی کہ سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور ہاسپٹل روڈ سائڈ پہ ہے, یہاں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کے بھی آنے کا خرچہ رہتا ہے. ایون کہ ہمارے پاس سارے فیسلٹیز اویلیبل ہے, آپ لوگوں نے ابھی اندر دیکھا, آپ لوگ نے تھوڑا معائنہ بھی کیا اندر, ہمارے پاس لیبر روم فل فلج لیبر روم ہے. ایک زمانے میں میرے ہی ٹائم میں آج سے 3-4 سال پہلے یہاں پہ کم از کم 50-60 ڈلیوری 100 تک کا ڈلیوری سال میں ہوا کرتا تھا, ڈلیوری جو ہوا کرتا تھا یہاں پہ اسی ایریاز کا. اس وقت ہمارے پاس ٹرینڈ نرس تھے, سینئر نرسز, تو وہ ڈلیوری بھی کرتے تھے. اچھا, اور آج ہمارے پاس ڈلیوری روم ہے, ہمارے پاس لیبر روم ہے, لیکن کوئی یہاں پہ نرس سینئر نرس نہیں ہے. اچھا, ایکس رے ہمارے پاس ہے, ای سی جی مشین ہمارے پاس ہے, لیکن اس کو چلانے کے لیے کوئی ٹیکنیشین نہیں ہے, وہ خالی پڑا ہوا ہے, بند روم لاک ہے, بند ہے. اچھا, ہمارے پاس ہے ڈینٹل, آپ انہوں نے دیکھا ڈینٹل کا ہمارے پاس بہت ہی آدھونک چیئر ہے, ہمارے پاس ڈینٹل چیئر ہے, ایک ڈاکٹر ہے, لیکن اس کو ہیلپ کرنے کے لیے اس اسسٹنٹ کو ہی, اس کو اسسٹ کرنے کے لیے کوئی اسسٹنٹ بھی نہیں ہے. ایک فارمیسسٹ یہاں پہ اس پاپولیشن کے حساب سے, اس جہاں پہ پیشنٹ کا یہاں پہ لوٹ ہے اس حساب سے یہاں پہ 2-3 فارماسسٹ ہونا چاہیے تھا, اس کی جگہ ایک ہی فارماسسٹ ہے. اچھا, وہ کبھی بیمار ہو جاتی ہے, اس کو کبھی چھٹی لینا ہوتا ہے, وہ کہیں علاج معالجے کے لیے یا کسی کام سے باہر جانا ہوتا ہے, تو یہاں پہ بنا فارماسسٹ کے کام چلانا پڑتا ہے. ہمارے پاس ہاسپٹل اتنا بڑا پیشنٹ کا آنا جانا رہتا ہے, تو ڈیفینیٹلی اسی حساب سے ہاسپٹل میں تھوڑا بہت گرد یا دھول یا مٹی کیچڑ وغیرہ کا گندگی ہونے کا بھی خدشہ رہتا ہے. سویپر ہمارے پاس صفائی کے لیے نہیں ہے. جہاں پہ 3 ڈاکٹرز ہونا چاہیے تھا وہاں پہ ایک اکیلا ڈاکٹر نبھا رہا ہوں. خدا نخواستہ اگر کل کو میں کہیں بیمار ہو جاتا ہوں یا مجھے کوئی کام ہو جاتا ہے, انسان ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے, تو ایسے میں پیشنٹس سفر ہو جاتے ہیں. تو اچھا, باقی یہاں پہ نرسز ہونے چاہیے, این ایمس ہونے چاہیے, حالانکہ یہاں پہ سی ایچ او بھی نہیں ہے. آج کل آپ لوگوں کو بخوبی پتہ ہے کہ ہر سب سینٹر پہ سی ایچ او ہے, ایوری سب سینٹر آف لداخ ہیز اے سی ایچ او, لیکن یہاں پہ سی ایچ او نہیں ہے. سی ایچ او کا فنکشن آج کل کمیونٹی ہیلتھ آفیسر, سی ایچ او کا مطلب ہوتا ہے فل فارم کمیونٹی ہیلتھ آفیسر, ان کا آپ گورنمنٹ آف انڈیا نے این ایچ ایم کے تحت سی ایچ او کو اپوائنٹ کیا ہے ایچ اینڈ ایوری سب سینٹرس, جتنے بھی سب سینٹرس ہیں, سب سینٹرس کے لیول پہ, ناٹ پی ایس سی سی ایس سی کے لیول پہ, ایوری سب سینٹرس پہ سی ایچ اوز کا ہے. سی ایچ اوز کا کام ہے کہ وہ سارے پیشنٹس, ایک تو ڈاکٹرس کے ایبسنس میں وہ پیشنٹس دیکھیں, اچھا اس کے بعد کمیونٹی میں جو اس کے جوریزڈکشن میں جتنا پاپولیشن آتا ہے ان کا چیک اپ کرے, این سی ڈی کرے, نان کمیونیکیبل ڈیزیز, بلڈ پریشر, شوگر, تھائرائڈ, کینسر, سروائیکل کینسر, اور ڈینٹل کینسر جو بھی ہوتی ہے, مطلب سارے کینسرز کا, باقی چیز نان کمیونیکیبل ڈیزیز کا سکرین کرے, اچھا ڈیٹا اپلوڈ کرے, اچھا اوور آل جو پورٹل ہوتے ہیں, مطلب ہے نا, وہ سارا کچھ ان کا فنکشن ہوتا ہے کہ وہ پورا اپنا جو ہے پورٹل جو ہے وہ مینٹین کرے, ڈیٹا ویٹا کا سارا لیکھا جوکھا جو ہے وہ لوڈ کرنا, ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا, این سی ڈیز کرنا, سکرین کرنا ڈیزیز کے لیے, یہ سب سی ایچ اوز کا کام ہوتا ہے. تو ایون یہاں پہ سی ایچ اوز بھی نہیں ہے. اب یہاں یہ ہے سر, ایک چیز یہ ہے کیا کہ ایک سب سینٹر فرض کرو یہاں پہ ہمارا چیچسنا ہے, یہاں پہ چیچسنا کی پاپولیشن ہے کم از کم وہاں پہ ہوگی 150 پاپولیشن, یعنی کہ 25 گھر کے لیے ایک سی ایچ او ہے اور 2 این ایمس وہاں پہ, ابھی تو شاید ایک ٹرانسفر ہو گئی ہے لیکن وہاں پہ 2 ابھی کچھ انٹل ریسنٹلی وہاں تک ہے نا, تو وہاں پہ کم از کم 2 این ایمس تھے, مطلب میں اگزامپل دے رہا ہوں. جبکہ ٹی ایچ جی جو ہے, یہ جو ٹی ایچ جی بھی چھوڑا آپ, ٹرسپونی 5000 کی پاپولیشن ہے, 5000 کی پاپولیشن, 500 سے زیادہ چولہا ہے, ہاؤس ہولڈ,
5000 की पॉपुलेशन में एक CHO नहीं है। अब वहाँ से हमें कहता है कि भाई आप लोग ये नहीं करते हो, डाटा लोड नहीं करते हो, NCD नहीं करते हो, ये सब वैक्सीन नहीं होता ये, लेकिन हम अपने हिसाब से जो भी स्टाफ यहाँ पे चला रहे हैं वो चलाते हैं। डॉक्टर साहब, बस लास्ट आपने डिटेल में बता दी, क्या वजूहत रही होगी, क्योंकि आपने भी बताया कि वर्कलोड तो बहुत है, पॉपुलेटेड एरिया भी है, इस CHC के अंदर तकरीबन 3 काउंसलर भी आते हैं, एक सलेसपुर, एक ट्रेसपोन और एक TSG ब्लॉक के। अगर यही 3 काउंसलर मिल के मुद्दा उठाए तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्या वजूहत रही होगी? और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलो, इन केस ऑफ इमरजेंसी आते हैं, यहाँ थोड़ी देर रुकना पड़ता है, तो मैंने देखा सर हीटिंग भी शायद ठीक तरह से नहीं चल रही, और इनकेस और भी इमरजेंसी है, एम्बुलेंस भी आप लोगों का बहुत मुझे लगता है पुराना है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। कई बार मैंने अपने हिसाब से जो कंसर्न अथॉरिटी से हमारे जो हेड्स हैं, BMO साहब, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, CMO साहब, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स, हमारे डायरेक्टर साहब, बस सब डायरेक्टर हेल्थ, सबको इस बारे में अवगत कराया है कि हॉस्पिटल पे बहुत लोड है, पॉपुलेशन बहुत पॉपुलेटेड एरिया है, हॉस्पिटल जो है पेपर पे इसको NTPSC, आपको मैं बताते चलूँ खलू साहब कि 2021 यानी अब 22 तो अभी ख़त्म हुआ, 2021 का सालाना पॉपुलेशन, सालाना पेशेंट्स का ना हॉस्पिटल में, वो हमारा डाटा निकला था 2021 का, ऑफिशियली आप CMO साहब से भी कलेक्ट कर सकते हैं, BMO से भी, कि हमारे जो मैं नहीं कि किसी के मतलब खिलाफ हूँ या किसी के अपोजिट में हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जो तथ्य है, जो भी फैक्ट्स है वो बता रहा हूँ कि हमारा एक पनीघर है, पनीघर जो है वो एक ब्लॉक है, PHC है, वो क्या है, PHC 2000, आप खुद निकाल सकते हो डेटा, CMO ऑफिस से लाओ, आप कहीं से BMO ऑफिस से, पनीघर का साल का टोटल पॉपुलेशन जो ये पेशेंट जो है ओपीडी पेशेंट है वो है 5500। शरगोल भी एक PHC है, वहाँ एक BMO है, 5-6 डॉक्टर्स हैं, कम से कम 70-80 के करीब स्टाफ है वहाँ पे, अच्छा 5-6 डॉक्टर्स भी है, सब कुछ है, नर्सेज, एवरी स्टाफ 50-60 के करीब स्टाफ, वहाँ का साल का OPD पेशेंट जो है वो है 2500 शरगोल का, पनीघर का है 5500, ट्रिस्पोन का 8000 से 10000 है, 8000 से 10000, एक डॉक्टर, नर्स भी नहीं, एक फार्मासिस्ट, यानी AD का जो पुराना हुआ, AD का स्टाफ हुआ करता था उसी पे चला रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी यही रहती है कि भाई मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप बड़े यानी कि आप मेच्योर बंदा, आप समझ सकते हो ये, इस मैं आपको एक मिसाल के तौर से समझाता हूँ। एक स्कूल है, फर्ज करो हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में, अगर एक स्कूल है, एक स्कूल पे वहाँ पे इनरोल है कम से कम 50 से 20-30 बच्चे हैं, 20-30 बच्चे हैं, और यानी कि स्टूडेंट्स हैं, इनरोल्ड है, और वहाँ पे सिर्फ 5 टीचर्स हैं, ठीक है ना। एक स्कूल ऐसा है जहाँ पे 50 यानी कि स्टूडेंट्स है, 50-60-100 के करीब स्टूडेंट्स है, ठीक है ना, वहाँ पे सिर्फ 5 टीचर है, या एक जगह जहाँ पे स्टूडेंट 100 है वहाँ पे 5 टीचर है, और जहाँ पे स्टूडेंट 5 है वहाँ पे 20 टीचर है। एक स्कूल में अगर 5 स्टूडेंट होगा, 10 स्टूडेंट होगा, और वहाँ पे 25 टीचर्स होगा, तो कम इसके बरक्स में अगर एक स्कूल में अगर 100 स्टूडेंट है, 5 टीचर है, तो ये क्या उस हिसाब से अन्याय नहीं है कि एक यही बिल्कुल यही अप्लाई होता है इस हॉस्पिटल पे। यहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं आपको साल में 10,000 पेशेंट देख रहा है एक डॉक्टर। कुछ हॉस्पिटल्स में जहाँ पे मैंने अभी एग्जांपल दी पनीघर की, शरगोल की, जहाँ पे आपको सालाना पेशेंट आ रहा है 5,000-2,500, वहाँ पे 5 डॉक्टर है, एक BMO है, आपको 50-70 स्टाफ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये पॉलिसी नहीं होती है, आप इतना मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ख़र्चा कर रहे हो, डॉक्टर्स को इतना तनख्वाह दे रहा है, स्टाफ भर्ती कर रहा है, इतना करोड़ों बिल्डिंग्स पर ख़र्चा कर रहा है, किसके लिए? ओनली फॉर द पेशेंट्स, ओनली फॉर द पब्लिक के लिए खर्चा कर रहा। और जहाँ पेशेंट आ ही नहीं रहा वहाँ पर 10 डॉक्टर रखने की ज़रूरत है क्या? वहाँ पर 50 स्टाफ रखने की क्या ज़रूरत है? अब एक नॉर्म्स आता है कि भाई वो CHC है, PHC है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक CMO को, एक BMO को, एक DC साहब को ये अख्तियार होता है कि वो अपने एरिए में जहाँ पे पेशेंट ज़्यादा आता है स्टाफ को उस तरफ शिफ्ट करें, जहाँ पे पेशेंट कम आता है, इसको कहता है रेशनलाइजेशन ऑफ स्टाफ। यानी कि ये पावर एक BMO को होता है,
एक बीएमओ को ये पावर होता है, एक सीएमओ को ये पावर होता है कि वो अपने एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, जिस हॉस्पिटल में, चाहे वो भले ही एडी हो, पीएससी हो, सीएससी हो, जहाँ पे पेशेंट लोड ज़्यादा है वहाँ पे स्टाफ को डाइवर्ट करे ताकि पेशेंट सफ़र ना हो। ये इसकी प्रेरोगेटिव है, प्रेरोगेशन है ना, उसकी अपनी प्रेरोगेटिव में आता है, उसकी पावर में आता है कि वो उसको बैलेंस कर सकता है, है ना। अल्टीमेटली अल्टीमेट गोल इज़ टू जस्ट टू गिव यू नो कि एडवांटेज टू द पेशेंट्स, पेशेंट सफ़र ना हो जाए। तो मेरे कहने के ये मतलब है कि जब ये वक्त जाहिर है, हम सारा डिस्ट्रिक्ट जानता है कि भी टी एच जी एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, टी एच जी स्पेसिफिकली टी एच जी एन टी पी एस सी पे लोट है। आज आपको मैं आपको आज का मैं दिखाता हूँ, ये खलू साहब ये आपको मैं आज दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखो सर, ये पेशेंट सेलेस्कोट आप दिखा रहे हो, यहाँ पे यहाँ से सेलेस्कोट ट्रिस्पोन ट्रिस्पोन सेलेस्कोट ट्रिस्पोन ट्रिस्पोन है कि ना, जीएमपुर टैम्बिस सेलेस्कोट टैम्बिस, अच्छा ये जिनाब अली सेलेस्कोट जीएमपुर ट्रिस्पोन ट्रिस्पोन ट्रिस्पोन, फिर फरूना है ना सर, ये मतलब आज का है ना। आज इधर देखो सेलेस्कोट कनौर फरूना ट्रिस्पोन सेलेस्कोट कनौर ट्रिस्पोन फरूना सेलेस्कोट, और कभी मतलब आज तो नहीं है, बाकी ग्रंथम इंजी से भी आपको पेशेंट दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, हर जगह से पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो सर, मिंजी ग्रंथम ग्रंथाओं से पेशेंट, मिंजी से पेशेंट, सेलेस्कोट से पेशेंट, सेलेस्कोट टैम्बिस फरूना, हर जगह से, यानी कि ये दिल्ली का यहाँ पे आना जाना रहता है। तो मेरे कहने का मतलब है जयपुर में भी डॉक्टर है, स्टाफ है, सेलेस्कोट में भी है, लेकिन पेशेंट्स यहाँ पे प्रेफर करते हैं आना। उस हिसाब से क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इस हॉस्पिटल में थोड़ा स्टाफ आप आउट ऑफ वे जाके, आउट ऑफ वे जाके स्टाफ यहाँ पे प्रोवाइड करके, और यहाँ का जो है लोगों की जो है जो भी परेशानियाँ हैं, ख़ासकर जो बेचारे पेशेंट्स हैं वो सफ़र हो जाते, उनके इसका अजाला किया जाए, उनके परेशानियों का अजाला किया जाए। तो एज ए डॉक्टर, चूँकि मैं यहाँ काम करता हूँ, मुझे इन फैक्ट्स का पता है, तो मैं आप लोगों की चैनल की वसादत से यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा कि आप लोगों का बहुत भला होगा, इन द इट विल बी द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, है ना, इन द इंटरेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इवन, कि अगर यहाँ पर आप लोग स्टाफ का अगर यहाँ पर रिक्रूट करें इस पर पॉपुलेशन इस पर द पेशेंट्स विच आर कमिंग इन दिस हॉस्पिटल, तो पब्लिक का बहुत भला होगा। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, अभी तक हम कोशिश कर रहे थे सीट रेस्पॉन्ड को लेके, इनके काफ़ी इश्यूज थे, मसाइल थे हॉस्पिटल को लेके, मेन अशद इनके जो मुतालबात है, इनका जो मेन इशू है वो मेन पावर को लेके है। और साथ ही साथ आपको बताते भी चलूँ कि काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया है टी एच जी ब्लॉक, टी एच जी ब्लॉक के जितने भी लोग हैं, जितने भी पेशेंट हैं, फरूना से लेके सरसे से लेके जयपुर गोलमंगलपुर, पूरे पेशेंट जो है वो इसी हॉस्पिटल में आते हैं, बट यहाँ अनफॉर्चुनेटली मैन पावर की अशद कमी है, ज़रूरत भी है। और इनका साफ साफ यही कहना है कि कई बार इन्होंने आला अहदेदार आला हुक्मरान से भी इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जल्द अज जल्द यहाँ मैन पावर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी इमरजेंसीज भी आते हैं और हॉस्पिटल जो है वो नेशनल हाईवे रोड साइड पर ही है। और इनका आखिर में यही कहना है कि विद इन वीक अगर इनके मुतालबात पर कंसर्न खड़ा नहीं उतरता है तो इन्हें मजबूरन रोड पे आके इन्हें धरना भी देना होगा। तो खत्ते लद्दाख के साथ साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। इसी के साथ मैं और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज जुले। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल कारगिल टुडे, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस, लाइक अस ऑन फेसबुक एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। Keep watching Kargil today. Keep enjoying Kargil today. The only voice of Kargil Ladakh.